हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू हार्ट। ये मोस्ट अवेटेड वीडियो है। संक्रांति आ रही है तो इस वीडियो में हम बनाएंगे चॉकलेट हलवा डब्बी, या आप इसे तिलगुल डब्बी भी कह सकते हैं। तो आपको ये अट्रैक्टिव गिव अवे आइडिया कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, तिलगुल डब्बी या हलवा डब्बी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये वाइट कंपाउंड लिया है। तो मैंने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम वाइट कंपाउंड लिया है, जिसे मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया है। तो वाइट चॉकलेट को हम डबल बॉयलर के मेथड से मेल्ट करने वाले हैं। पानी में उबाल आते ही हम कंपाउंड को मेल्ट करने के लिए रख देंगे। तो चॉकलेट डब्बी बनाने के लिए हम ऐसे प्लास्टिक के मोल्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उन्हें यूज़ करने वाले हैं। आपके यहाँ पे जो नियरेस्ट केक शॉप रिटेलर होगा उसके यहाँ पे आपको ये मोल्ड्स इजीली मिल जाएंगे। ऑनलाइन एक्चुअली दे आर करंटली अनअवेलेबल। तो मैंने यहाँ पे जो वाइट चॉकलेट मेल्ट किया था, हम उसे दो अलग अलग कटोरी में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कलर्ड चॉकलेट डब्बे बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये कलर मिस्ट के ड्राई चॉकलेट कलर्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये कलर्स अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मली जो जलेबी वगैरह बनाने के लिए जो कलर्स लाते हो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। मैंने इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो प्लीज़ आप उसे चेक कीजिए। तो यहाँ पे जो ड्राई कलर हम ऐड कर रहे हैं उसका कोई क्वांटिटी नहीं है, आपको जैसे भी लाइट या डार्क शेड पसंद हो आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो सेम वे मैंने यहाँ पे एक बोल में येलो कलर डाला है और एक बोल में पर्पल कलर डाला है। चॉकलेट जब गर्म है तभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हमें ये प्रोसेस फटाफट करनी है क्योंकि चॉकलेट जो है वो इजीली गाढ़ा हो जाएगा फिर से। तो अब हम इन कैविटीज़ में मेल्टेड चॉकलेट जो है वो भर देंगे। चॉकलेट को मोल्ड में पोर करने के बाद हम अच्छे से 2 से 3 बार टैप कर लेंगे। याद रखिए फ्रेंड्स, मेल्टेड चॉकलेट पोर करने के बाद हमें अच्छे से मोल्ड को 2 से 3 बार टैप कर लेना है, यानी जो डब्बी का शेप है वो अच्छे से निकल कर आएगा और एयर बबल्स नहीं रहेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों कलर्ड चॉकलेट्स को मोल्ड में भर दिया है और अब हम इन्हें 15 से 20 मिनट तक नॉर्मल फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। सेम चॉकलेट को यूज़ करते हुए हम स्क्वायर शेप के चॉकलेट डब्बी भी बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब मैंने यहाँ पे मेल्टेड वाइट चॉकलेट लिया है, जिसमें मैं यहाँ पे रेड कलर ऐड कर रही हूँ। मैंने इसे थोड़ा कम क्वांटिटी में डाला है क्योंकि मुझे पिंक शेड चाहिए, बट आपको डार्क रेड कलर पसंद हो तो आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी डालिएगा। और अब हम इसे भी मोल्ड में भर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसमें भी कंपाउंड को मेल्ट कर सकते हो, बट ध्यान रखिए 20 से 30 सेकेंड से ज़्यादा हमें एक साथ उसे माइक्रोवेव नहीं करना है। 20 मिनट तक रेफ्रिजरेटर में सेट करने के बाद मैंने इन मोल्ड्स को निकाला है। अब हम इन चॉकलेट डब्बीज को अनमोल्ड करेंगे। फ्रिज से निकालने के बाद हम तुरंत ही इन्हें अनमोल्ड करेंगे, तो हमें ऊपर से इन्हें हल्का सा प्रेस करना है और आप देख सकते हो कैविटी जो है वो कितनी इजीली निकल कर आई है। हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं अप्लाई करना है, नहीं तो जो चॉकलेट डब्बी है वो टूट सकती है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा ब्राइट कलर आया है, कितनी क्यूट और कलरफुल लग रहे हैं ये चॉकलेट डब्बीज। अब मैंने यहाँ पे ये डार्क चॉकलेट लिया है। अगर आपके पास वाइट चॉकलेट नहीं है या ड्राई कलर्स भी अवेलेबल नहीं है तो आप डार्क चॉकलेट से भी इन चॉकलेट हलवा डब्बीज को बना सकते हो। सारे कैविटीज़ को अच्छे से भरने के बाद हम इन्हें 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में सेट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने ब्राइट, क्यूट और प्यारे लग रहे हैं ये सारे कलर्स। तो सेम वे मैंने यहाँ पे डार्क रेड कलर के भी चॉकलेट डब्बीज बना लिए हैं। और अब हम इन डब्बीज में जो हमारा हलवा है उसे डालेंगे।
तो एक एक करते हुए हमने सारे चॉकलेट डब्बीज को भर दिया है। इन चॉकलेट डब्बीज को थोड़ा और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए जो हलवा है हम उसे मेल्टेड चॉकलेट में डिप करते हुए डब्बी का जो लीड है उसके ऊपर स्टिक कर देंगे। ये देखिए, जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। तो सारे कलर के डब्बीज के ऊपर मैंने इसे स्टिक कर लिया है। जिस कलर डब्बे के ऊपर हमें हलवा स्टिक करना है उसी कलर के मेल्टेड चॉकलेट में मैंने उसे डिप किया था गाइस। बट ये हलवा स्टिक करना इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितने प्यारे और बढ़िया लग रहे हैं ये चॉकलेट हलवा डब्बीज। है ना सुपर इजी और सुपर अट्रैक्टिव गिव अवे आइडिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इनफैक्ट गो डाउन एंड हिट द लाइक बटन राइट नाउ, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इस वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए। आप इन्हें ऐसे अट्रैक्टिव गिफ्ट बॉक्सेस में रैप करके गिफ्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ सैम्पल्स शेयर कर रही हूँ। अगर आप चैनल पे कोई स्पेसिफिक रेसिपी या केक वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अ वेरी हैप्पी संक्रांति टू ऑल ऑफ यू।